सो हे गाइस, वेलकम टू ई कॉमर्स टॉक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लोथिंग कैटेगरी के प्रोडक्ट लिस्ट करने वाले हैं। गाइस, आज की इस वीडियो में आपको लाइव सेलर पैनल पे कैसे आप क्लोथिंग वाले प्रोडक्ट्स, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर वेरिएशन होता है, साइजेस का वेरिएशन होता है, कि फिर आपका कलर्स का वेरिएशन होता है। तो इसमें मोस्टली सर को प्रॉब्लम आता है, जो क्लोथिंग लिस्ट करना चाहते हैं उनको यहाँ पर एरर आता है वेरिएशन क्रिएट करते टाइम। तो आज के इस वीडियो में हम वेरिएशन के साथ क्लोथिंग कैटेगरी में प्रोडक्ट लिस्ट करके देखने वाले हैं। तो लाइव आपको सेलर पैनल पे दिखाऊंगा कि कैसे आप प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो क्लोथिंग। तो गाइज, सबसे पहले बात करें, आप जब अमेजोन पे लिस्टिंग करने जाते हो प्रोडक्ट की, तो आपको GTIN अप्लाई करना होता है। GTIN बेसिकली क्या होता है, जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर ब्रांड आपको शो कर रहा है, हर लिस्टिंग के ऊपर एक ब्रांड होता है। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी कैटेगरी में प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, तो अमेजोन ये देखता है कि आप किस ब्रांड से सेल करना चाहते हैं, और साथ ही साथ उस कैटेगरी का आपको अप्रूवल देता है, जो हर कैटेगरी में फर्स्ट टाइम आपको लेना पड़ता है। तो अगर आप ब्रांड यहाँ पर अगर चाहते हो कि हमारा ब्रांड कुछ लिखा है, जो कि ब्रांड आप ABC जो भी ब्रांड आप रखना चाहते हो, तो उसके लिए आपके प्रोडक्ट के ऊपर वो ब्रांड नेम पेस्ट होना चाहिए, उसका इमेज आपको अमेजोन को देना पड़ता है GTIN अप्लाई करते समय। अगर आप चाहते हो नहीं, हम जेनरिक से ही सेल करना चाहते हैं, तो सिंपली आप एक बार अप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा, इसमें कोई भी प्रोडक्ट का फोटो वगैरह नहीं देना पड़ता है और आपको जेनरिक ब्रांड से आप सेल कर सकते हो। GTIN का पूरा प्रोसेस मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, इस वीडियो के नीचे मैंने लिंक डाल दिया है, आप पूरा GTIN का प्रोसेस देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम डायरेक्टली प्रोडक्ट लिस्ट करके देखेंगे कि अमेजोन पे आप क्लोथ कैसे लिस्ट कर सकते हो। GTIN का वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, तभी आप लिस्ट कर पाएंगे, नहीं तो लिस्टिंग पेज में आपको एरर कोड आएगा, तो फर्स्ट टाइम आपको GTIN लेना पड़ता है। तो अब गाइज, अमेजोन में बात करें कि अमेजोन में कैसे हम प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं क्लोथिंग वाले, तो सिंपली सेम प्रोसेस है। यहाँ पर अगर आप जाएं, यहाँ पर कैटलॉग के ऑप्शन पे आपको जाना है और ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। ऐड अ प्रोडक्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको शो करता है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नोट सोल्ड एंड अमेजोन, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको कैटेगरी चूज करने की ऑप्शन आएगी कि कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया मैं क्लोथिंग यहाँ पर लिस्ट करने वाला हूँ, तो यहाँ पर आप या तो मैनुअली क्लोथिंग कैटेगरी में जाइए और उसके बाद आप अपनी कैटेगरी को चूज कीजिए, जैसे यहाँ पर क्लोथिंग एक्सेसरी, या फिर डायरेक्ट आप जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हो यहाँ पर सर्च कर लीजिए, तो उसकी कैटेगरी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारी कुर्ती मैं भी लिस्ट करके आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पर कुर्ती की कैटेगरी आ गई है। अगर आपकी कोई भी कैटेगरी नहीं आ रही है, तो जो भी आप सिमिलर प्रोडक्ट जो भी सेलर सेल कर रहे हैं उसके नीचे पेज में आ जाइएगा, यहाँ पर जो भी सब कैटेगरी है वही मेन कैटेगरी होती है, और वो कैटेगरी को आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, तो आपकी कैटेगरी आ जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी कैटेगरी आ गई है कुर्ता एंड कुर्ती की, तो इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और ये हमारी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट हो गई है। तो गाइस, सबसे यहाँ पर आप ऑल एट्रीब्यूट मैंने ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आपका ऑन नहीं है तो ऑल एट्रीब्यूट को मैंने सिलेक्ट करके रखा है। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोडक्ट का टाइटल देना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सारे कुछ बना के रखा है, प्रोडक्ट का टाइटल बनाया है, बुलेट पॉइंट्स एंड डिस्क्रिप्शन। तो इसके लिए आप एक टूल का यूज कर सकते हो, जो आपको टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन बड़ी इजी तरीके से देगा, जो है ChatGPT। ChatGPT का यूज करके ही मैंने ये ज्यादा सारे बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन वगैरह बनाया है। तो यहाँ पर आप सिर्फ देख सकते हैं टाइप करेंगे तो आपको सब कुछ ये बना के दे देगा। ChatGPT के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे इससे टाइटल, बुलेट पॉइंट, सर्च टर्म या फिर डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने टाइटल को हम यहाँ से अपना कॉपी करते हैं और अमेजोन पे डाल देते हैं, तो ये हमारी टाइटल हो गई। अब यहाँ पर आपको पूछेगा डज दिस प्रोडक्ट हैव वेरिएशन, तो क्योंकि क्लोथिंग में वेरिएशन होता ही है, तो इसको हम लोग कर लेंगे यस। यहाँ पर ब्रांड नेम, अगर आप GTIN किसी ब्रांड नेम से ले रहे हो तो उस सेम ब्रांड को यहाँ पर आपको पुट करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर जेनरिक से लिस्ट करूंगा, तो मैंने यहाँ पर जेनरिक दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव ब्रांड नेम कर दिया, तो जेनरिक ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ पर आप प्रोडक्ट आईडी आपको यहाँ करना है डू नॉट हैव प्रोडक्ट आईडी, और उसके बाद देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पर वेरिएशन जस्ट आपने किया। अब यहाँ पर क्या आप लिस्ट करोगे, जैसे हमारा जो वेरिएशन है वो साइज का है, तो साइज को हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद देख सकते हैं अलग अलग पेज है, ऑफर्स है, कीवर्ड है, इमेज है, डिस्क्रिप्शन है, कंप्लाइंसेस है, और वैलिड इनफो और वेरिएशन है, और डिटेल मोड है। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो वेरिएशन टैब में ही आती है, और यहीं पे ज्यादा एरर आता है, तो पहले वेरिएशन टैब को ही हम बनाते हैं। तो वेरिएशन टैब में आप आ गए हैं, और यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं साइज वेरिएशन क्लिक है, और आपको सबसे पहले देना है कि कौन कौन साइज आपके पास है। जैसे हमारे पास स्मॉल है, तो हम यहाँ पर S यहाँ पर देंगे, तो देख सकते हैं स्मॉल यहाँ पर आ गया है, इसको एड कर लेते हैं। स्मॉल के बाद आपके पास जो भी साइज हो, जैसे मीडियम है तो मीडियम हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास लार्ज है, तो यहाँ पर हमने लार्ज दे दिया। इसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा लार्ज हमने सेलेक्ट कर लिया, और इसके बाद एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज है, तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ये हमने सारे अपने साइजेस ले लिए, जो भी साइजेस हैं, और ये साइजेस जब आप लेंगे तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में इस तरह आपके साइजेस भी यहाँ पे
शो करेंगे। कस्टमर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता है कि कौन सा साइज उसको परचेज करना है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अपने साइजेस को ऐड कर लिया कि हमारे कौन कौन से हमारे पास साइजेज हैं। उसके बाद गाइज आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको जो डिटेल भरने इस पार्ट को काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं पर मोस्टली सारे के एरर आते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना है, तो जेंडर यहाँ पर बेसिकली फीमेल्स के लिए, तो हम यहाँ पर फीमेल्स जो है वो सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर मैं सबको सिलेक्ट कर रखता हूँ ताकि कॉमन वाले एक साथ हम कर सके। यहाँ पर ये अडल्ट है, अडल्ट सिलेक्ट किया, अप्लाई चेंजेस किए तो सब में अप्लाई हो गया। यहाँ पर रेगुलर को सिलेक्ट कीजिए, अप्लाई कीजिए, हो गया। साइज वैल्यू यहाँ पर आपको लेना है, जैसे ये स्मॉल है तो यहाँ पर हम लेंगे एस, ठीक है। ये मीडियम है तो यहाँ पर मैं लूंगा एम, ये लार्ज है तो यहाँ पर हम लेंगे एल, और ये एक्स्ट्रा लार्ज है तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा लार्ज ले लेंगे, और यहाँ पर 2XL। तो ये हमारे यहाँ पर चार्ट आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपेयर साइज जो है वो लेना है। यहाँ पर अल्फा को सिलेक्ट किया, अप्लाई किया, सब में हो गया। अप्लाई साइज सिस्टम आपको यहाँ पर आईएन है तो आईएन सिलेक्ट किया, सब में अप्लाई हो गया। और ये आपको फिल नहीं करना है, ठीक है। अपेयर साइज टू रेंज, रेंज को फिल नहीं करना है। एसक्यू यहाँ पर आपको बनाना है, जैसे एसक्यू आप खुद से बना सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर एसक्यू बनाता हूँ कुर्ती स्मॉल कुछ भी, लेकिन आपको रिपीट नहीं करना है। जैसे ये हमारा स्मॉल हो गया तो यहाँ पर स्मॉल कर दिया, ये मीडियम है तो इसको मैंने मीडियम बना दिया, ये आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ये हमारा लार्ज हो गया, ये एक्स्ट्रा लार्ज है तो मैंने यहाँ पे एक्सेल कर दिया, और ये 2XL है तो इसका मैंने एस कर दिया 2XL, ठीक है। तो ये हो गया। अब प्रोडक्ट आईडी सबका आपको जीटेन रखना है, क्योंकि हमने जीटेन ले लिया है, तो आपको यहाँ पे जीटेआईएन सेलेक्ट करके रखना है सब में। तो यहाँ पे गाइज हमने सब में डिटेल ले लिया, कंडीशन सबका न्यू होगा तो न्यू सिलेक्ट कर लिया, अप्लाई चेंजेस कर दिया, सब में अप्लाई यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आपको प्राइसिंग देनी है कि सबका प्राइस आप क्या रख रहे हैं। आप इंडिविजुअल अलग अलग भी प्राइस रख सकते हैं, जैसा इसका आप, मैं 190 अगर रखता हूँ, इसका अगर मैं चाहता हूँ कि ये 210 हो जाए तो 210 रहेगा। तो जिस जो भी साइज का आपको जो प्राइस रखना है वो प्राइस आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब आपको क्वांटिटी देनी की, हर की क्वांटिटी कितनी है, तो मैं करता हूँ सारी की क्वांटिटी अगर हमारे पास 12 पीस है, तो यहाँ पर अप्लाई चेंजेस के सब में अप्लाई हो गया। तो यहाँ पर ये भी सब में अप्लाई हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये फील था इसलिए हटा देते हैं। तो इस हिसाब से अगर प्राइस आपको चेंज करना है तो आप कर भी सकते हैं, मैं 190 रख देते हैं। तो देखिए इस सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वेरिएशन पे होता था, वो वेरिएशन आपको नहीं आएगा, एक भी एरर नहीं आया, और यहाँ पर हमारा फील हो गया है। अब स्टार्ट करते हैं ऑफर्स से। तो ऑफर्स में आप देख सकते हैं सबसे पहले टैक्स कोड है, तो टैक्स कोड इसका 5% लगता है, तो 5% में सुपर रिडक्ट आता है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया कि कितने परसेंट में कौन सा कोड आपको सिलेक्ट करना है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब लिस्ट प्राइस यानी कितना में आप सेल कर रहे हैं, तो सबसे हाईएस्ट प्राइस जो है 190, 190 सिलेक्ट कर दिया। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी कस्टमर कितने पीस ऑर्डर कर सकता है, तो 2 पीस मैक्सिमम मैं रखता हूँ। हैंडलिंग टाइम 1 डेज में कर दूंगा, गिफ्ट मैसेज करना है यस, इसको भी यस कर लेते हैं। और ऑफर स्टार्टिंग डेट, अगर मैं कुछ ऑफर वगैरह रखा हूँ तो यहाँ पर डेट आपको डालना है, नहीं तो मैं अभी नहीं रख रहा हूँ तो मैं इसे नहीं डाल रहा हूँ। इसके बाद आपको कंट्री ऑफ ऑरिजिन यानी कहाँ से ये प्रोडक्ट आया हुआ है, तो IND इंडिया है तो इंडिया मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब आपको HSN कोड देना है, तो HSN कोड आप सिंपली गूगल से फाइंड आउट बड़ी आराम से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर करूँ कुर्ती HSN कोड मैंने सर्च किया, तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने HSN कोड जो है कुर्ती का वो आ गया है। तो इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो HSN कोड भी हमने यहाँ पे डाल दिया। अब मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP प्रोडक्ट का यहाँ पे आपको डालना है, और यहाँ पर आई विल शिप में ही सिलेक्टेड रहेगा। उसके बाद है कीवर्ड्स में, तो कीवर्ड्स भी आप ChatGPT से फाइंड आउट कर सकते हो, जो कस्टमर सर्च करते हैं तो वो कीवर्ड्स यहाँ पर आप डाल लीजिए। फिर इमेज हमें अपलोड करने हैं, तो इमेज आप 7-6 इमेज जो भी है वो दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे 4 इमेज यहाँ पे प्रोडक्ट्स का दे रहा हूँ, तो ये मैं इमेज यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो ये इमेज हो गए हमारे प्रोडक्ट्स के। इसके बाद गाइज आपको डिस्क्रिप्शन देना है, तो डिस्क्रिप्शन जैसा कि आपको मैंने बताया था ऑलरेडी मैंने ChatGPT से यहाँ पे बना के रखा हुआ है, तो यहाँ से हम ChatGPT वाले जो डिस्क्रिप्शन है उसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। 5 बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं, देख सकते हैं प्रोडक्ट के 5 बुलेट पॉइंट जरूर यहाँ पर ऐड करें। तो यहाँ पर हम बुलेट पॉइंट्स वन बाय वन ऐड करते हैं, ऐड मोर करता हूँ और यहाँ पर एक और आ जाएगा। तो यहीं से आपको सिंपली जो भी है वो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, फिर ऐड मोर करता हूँ, तो सारे को पहले मैं ऐड कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, बुलेट पॉइंट भी ऐड कर लिया है। अब कंप्लाइंसेस में जाते हैं, कंप्लाइंसेस के ऑप्शन को आपको फिल करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बैटरी वाले प्रोडक्ट्स के लिए होता है। तो उसे हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर आते हैं वैलिड इन्फो पे। वैलिड इन्फो पे आपको जैसे मैनुफेक्चर पार्ट नंबर, तो ये हम खुद से बना सकते हैं, इसमें कोई भी आपको डालना नहीं है। जैसे मैंने ये देखिए खुद से बना दिया। मॉडल नेम आप खुद से बना सकते हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट का है।
उसके बाद गाइज यहाँ पर स्टाइल है आपका कि स्टाइल कैसा है, तो स्टाइल मैं रेगुलर डाल देता हूँ। जेंडर यहाँ पर वुमेन्स के लिए है। फिटिंग टाइप किस तरह का है, तो मैं यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, ये सारे प्रोडक्ट के ऊपर है। तो यहाँ पर आपको मटेरियल, तो क्रेप है तो क्रेप मैंने डाल दिया। यहाँ इंस्ट्रक्शन आपको डालना है, मॉडल नेम फिर से आ गया। तो ये मैंने देखिए खुद से बना लिया, ये हो गया। अब इसके बाद आपको स्लीव सेलेक्ट करना है इसका। तो अब जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करेंगे क्लोथिंग में, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको क्वेश्चन आएंगे, तो वो आप यहाँ पर फिल कर लीजिए। यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया मटेरियल, फैब्रिक क्या है, ये नॉट अप्लीकेबल है तो इसमें नॉट अप्लीकेबल दे दिया। प्रोडक्ट टाइप यहाँ पर मैं कर देता हूँ फैशन। तो गाइज यहाँ पर आपको आइटम बुकिंग डेट देख रहे हैं, आइटम बुकिंग डेट जो है वो मैं आज का ही डाल देता हूँ। तो ये हमारा आइटम बुकिंग डेट हो गया। तो ये सेक्शन देख सकते हो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। वेरिएशन तो मैंने हमने ऑलरेडी यहाँ पर कंप्लीट करके रखा था। इसके बाद आप मोर डिटेल पे आइए। तो मोर डिटेल में बेसिकली आपको क्या डालना होता है, यहाँ इसमें आपको प्रोडक्ट का सारा इन्फॉर्मेशन देना होता है, ठीक है। ये इसमें कोई भी सेक्शन मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ एक सेक्शन मैंडेटरी है, वो है मैन्युफैक्चरर। तो जो भी मैन्युफैक्चरर है प्रोडक्ट का वो मैंडेटरी है, बाकी कोई भी मैंडेटरी नहीं है। वो आप अपने हिसाब से दे सकते हो। जो भी प्रोडक्ट का डिटेल आप जितना ज्यादा डालोगे, उतना ज्यादा आपके जो प्रोडक्ट के पेज है यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे में आपको प्रोडक्ट का डिटेल सारा शो होता है। तो जितना ज्यादा डिटेल आप यहाँ पे दोगे, उतना ज्यादा डिटेल यहाँ पर शो करेंगे। तो इसमें कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक ही मैंडेटरी है, जो मैं यहाँ पर मैनुफेक्चर डिटेल जो है वो फिल करता हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैनुफेक्चर डिटेल मैंने दे दिया है, और यहाँ पर कोई भी डिटेल मैं फिल नहीं कर रहा हूँ अभी। आप अपने हिसाब से, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से सारी डिटेल फिल कर लीजिएगा। जो भी आपको लगता है कि हाँ ये मैं प्रोडक्ट की डिटेल में डालना चाहता हूँ और आपके पास अवेलेबल हो, तो वो आप यहाँ पर फिल कर दें, तो इससे हो जाएगा। देख सकते हैं अभी कोई भी एरर नहीं है, किसी भी सेक्शन में कोई भी एरर नहीं आया है और सारे सेक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी मैंने जैसे बेसिकली आपको कुर्ती लिस्ट करके दिखाया है, तो कुर्ती इस तरह बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। अभी मैंने सिर्फ साइज का वेरिएशन दिया। अगर आपको कल नेक्स्ट वीडियो मैं लिस्टिंग के ऊपर कलर का भी लाऊंगा कि कलर और साइज दोनों का हम वेरिएशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको किसी और कैटेगरी के प्रोडक्ट लिस्ट करके देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट आपको लिस्ट करना है, तो वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं उसके ऊपर भी स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। तो अभी सिंपली हमको यहाँ पर सेव एंड फिनिश पे क्लिक करना है, तो हमारा लिस्टिंग यहाँ पर हो जाएगा। तो गाइस जैसे ही आप सक्सेसफुली सेव कर लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का आपको मैसेज आ जाएगा, योर अपडेट हैज बीन सबमिटेड। और विद इन कुछ टाइम आपको यहाँ पर जो वेरिएशन है आपके, वो सारे शो करना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके प्रोडक्ट अमेजोन पे लाइव भी हो जाएंगे। गाइस इस तरह आप अमेजोन पे क्लोथिंग कैटेगरी में प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो। यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स इसी तरह सेम मेथड से आप लिस्ट कर सकते हो। अगर किसी और प्रोडक्ट को आपको लिस्टिंग का वीडियो चाहिए जिसमें आपको एरर आ रहा है, तो आपका इसी वीडियो को नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लिए सब्सक्राइब। इस चैनल पर मैं आपके लिए ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।